अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सतरंगी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो ये टॉपिक है कि बिना ग्रीन नेट के धूप में अपने प्लांट्स को कैसे हरा भरा रखें। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे जितने भी प्लांट्स हैं इतने ग्रीन हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू गार्डन का, कहीं पर भी कोई प्लांट मेरा बिल्कुल सूखा नहीं है और सभी प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और कोई भी, आप लोग देख सकते हैं मैंने कोई ग्रीन नेट नहीं लगा रखा है, लेकिन उसके दो तीन ऐसे ट्रिक होते हैं जिससे हम अपने प्लांट्स को ग्रीन रख सकते हैं। तो सबसे पहला ये है फ्रेंड्स कि हमें जो है प्लांट्स को बिल्कुल पास पास में रखना है। जैसे कि बड़े जो हमारे प्लांट्स हैं, देखिए मेरे ये जो बड़े प्लांट्स हैं लगे हुए, ये बड़े प्लांट्स जो हैं, तो इनके नीचे मैंने छोटे प्लांटर्स को रख दिया है और उससे छोटे प्लांटर्स को भी मैंने पास पास में रखा है ताकि एक दूसरे का मॉइस्चर जो है बना रहे और ठंडक बनी रहे पास पास में। और दूसरा ये है कि अगर हम अलग अलग प्लांटर्स ये रखेंगे तो इनको जो है ज़्यादा गर्मी लगेगी और पत्तियाँ इनकी जो हैं बर्न होने लगेंगी। और फिर दूसरा ये है कि हमें प्लांट्स को 4 बजे के टाइम पानी नहीं देना है, क्योंकि दिन भर की धूप उन पर पड़ती रहती है और अगर फिर जब हम पानी देते हैं तो प्लांट्स हमारे वैसे मरने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो हमें इस बात का ज़्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स कि 4 बजे के टाइम बिल्कुल तपती धूप के बाद हमें जो है पानी नहीं देना है, और अगर हम पानी दे देंगे, वाटरिंग कर देंगे, तो प्लांट्स हमारे ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। और ये आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स आपको कोई भी ख़राब नहीं दिख रहे होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी फ्लावरिंग भी बस बड्स देखिए ये सब बनी हुई हैं, सब ये खिलेंगे फ्लावर्स ये, तो आपको कोई भी मेरा प्लांट्स ख़राब नहीं दिख रहा होगा ये देखिए। और दूसरी बात ये है कि हमें पानी जो है बिल्कुल शावर की तरह देना है, जैसे कि स्प्रे करना है, ये स्प्रे इस तरीके से हम देंगे ये। मुझे बिल्कुल पेड़ों को ऐसे शावर देना है इस तरीके से कि मतलब एक एक पत्ती जो है इसकी धुल जाए, वो भी मॉर्निंग में। मॉर्निंग में हमें प्लांट्स को बिल्कुल भी नहला देना है कि जिससे उसकी एक एक पत्ती धुलती रहे और वो फ्रेश लगे। पूरा दिन प्लांट्स हमारे फ्रेश रहते हैं इस तरीके से शावर करने से। आप देख सकते हैं मैं पूरे में ये शावर कर देती हूँ प्लांट्स का अपने, और ये दीवार में जो ये लगे हुए हैं मेरे बॉटल प्लांटर्स, तो इनको भी मैं क्या करती हूँ, दीवार पूरी ये धो देती हूँ। देखिए अगर जो हमारे बॉटल प्लांटर्स हैं तो दीवार को बहुत ज़रूरी है डेली मतलब पानी देना, क्योंकि दीवार अगर गीली रहेगी तो उससे हमारे प्लांटर्स में ठंडक बनी रहेगी, तो फिर हमारे प्लांट्स भी सही रहेंगे। तो ये थोड़े बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जो अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे प्लांट्स हमेशा ग्रीन रहेंगे। ये देखिए कहीं पर भी मेरा कोई भी प्लांट्स आपको सूखा नहीं दिखेगा, सारे प्लांट्स बहुत ग्रीन हो रहे हैं। और शावर हमें जो है वो मॉर्निंग में ही करना है, और अगर हम शावर 4 बजे करेंगे तो प्लांट्स ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। तो हमारे एक एक बॉटल प्लांटर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश, कितनी अच्छी बड्स आई हुई हैं सब में। ये देखिए सब में फ्लावरिंग भी अब होगी। अगर मैं ये वीडियो 10 बजे बनाती तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती, क्योंकि सब बड्स अब खिलने को हैं। और ये देखिए ये इधर की क्यारी देखिए पूरी सब फ्लावर भरे हुए हैं, कहीं पर कोई भी प्लांट हमारा ख़राब नहीं हुआ है। ये मैं कभी भी 4 बजे पानी नहीं देती हूँ प्लांट्स में। अगर बाई चांस आपको सुबह में टाइम नहीं मिल रहा, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप 4 बजे पानी कैसे देंगे?
बिल्कुल 5 बजे के बाद पानी देंगे, जब हमारे प्लांट्स बिल्कुल दिन भर की धूप से बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, ठंडक उनमें आ जाएगी, तब हमें उनमें पानी देना है। अगर हम मतलब दोपहर के बाद पानी वाटरिंग करेंगे, और अगर मैंने जैसे ही धूप मतलब निकली हुई है और 4 बजे मैंने पानी दे दिया, तो हमारे प्लांट्स ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत बेल लग रही है, अब इसमें बहुत ज़्यादा वो आ गए हैं बैलून, ये देखिए। तो ये भी बिल्कुल ग्रीन हो रही है, कोई भी प्लांट्स हमारा आपको वैसा नहीं दिखेगा सूखा हुआ। तो ये कल मैंने कटिंग की थी, यहाँ पर सफाई की थी इसकी, विडेलिया की। तो देखिए सारे प्लांट्स हमारे बिल्कुल ग्रीन हो रहे हैं, और ये देखिए। तो बस यही ट्रिक मैं आजमाती हूँ जिससे हमारे प्लांट्स बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। तो आपको भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस यही ट्रिक फॉलो करना है जिससे हमारे प्लांट्स ग्रीन बने रहें। कभी दोपहर के बाद वाटरिंग नहीं करना है, और सभी बड़े प्लांटर्स के पास में छोटे प्लांटर्स हमें रखना है ताकि मॉइस्चर एक दूसरे में बना रहे। और हमें वाटरिंग अगर करना है तो शॉवर ही देना है, वैसे पानी नहीं डालना है कोई बर्तन वगैरह से। अगर हम शॉवर देंगे तो पूरा दिन हमारे प्लांट्स फ्रेश बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।